बाइबल पैदाइश से मुकाशफा तक एक नज़र। बाइबल क्या है, खुदा ने बाइबल में क्या कहा और खुदा कलाम खुदा यानी बाइबल के ज़रिए क्या कह रहा है। बहुत से मसीही कहते हैं कि बाइबल बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि वो बाइबल को नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत मुश्किल है और अगर वो बाइबल के बारे में सीखें तो वो उसे भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मसीही बाइबल को पढ़ने या सीखने की कोशिश नहीं करते, बजाय इसके कि वो लगातार ये जानने की कोशिश करें कि खुदावंद का कलाम बाइबल के ज़रिए क्या कह रहा है। मसीही अपने ख्यालात, तजर्बात और रवायात के अकली फैसलों के मिलाप से अपनी रूहानी ज़िंदगी बसर करते हैं और मज़ीद इसमें बाइबल के अपने इल्म और जो कुछ पादरी के वास से सुना होता है उसको शामिल करते हैं और वो समझते हैं कि ये काफ़ी है। ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ हैं जिसकी वजह से वो उसे पढ़ना लिखना नहीं जानते, बल्कि ये इसलिए है कि वो बाइबल के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते जिसमें खुदा की मर्जी है। यहाँ तक कि अगर ये उनकी अपनी ज़ुबान में है तो भी वो बाइबल पर अपनी सारी ताकत, मर्जी और दिल इस्तेमाल नहीं करते और ना ही उसके लिए लगन या सब्र रखते हैं। यही तो है रूहानी जहालत। अदन, खुदा की बादशाही का नमूना। अदन जो खुदा की कामिल तख्लीक में बनाया गया ऐसी जगह था जिसमें कोई गुनाह नहीं था, लेकिन गुनाह का अमकान मौजूद था। ताहम आसमान जहां हम जाएंगे उसमें ना तो गुनाह है और ना ही गुनाह का कोई अमकान है। खुदा की बादशाही तख्लीक से शुरू नहीं हुई बल्कि खुदा जो अब्दियत से पहले मौजूद था उसकी तरफ से, उसकी अपनी मर्जी से बनी। बाइबल खुदा के लोगों को तख्लीक से लेकर आसमान की तरफ बुलाने और रहनुमाई करने की एक कहानी है। इंसान ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की और नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल खाया और शैतान के कहने पर कुछ देर जिंदा रहा, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक रूहानी मौत मरा और आखिर में अपनी जिस्मानी मौत मरा। एक इंसान की बादशाह की हैसियत से ज़मीन पर ज़िंदगी, अब इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है। जिन्हें खुदा की बादशाही बागी अदन से निकाल दिया गया था वो नई जगह अब बाग नहीं है, अगरचा अदन एक कामिल जगह नहीं था, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ गुनाह और शर्मिंदगी का कोई वजूद नहीं था और खुदा और उसके लोग यानी उसके बच्चे बगैर शर्म के एक साथ थे। ताहम वो अब उस अदन में नहीं हैं, अब वो खुदा के मुकद्दस खादम नहीं हैं जो सिर्फ खुदा के लिए खुदा के लोगों, खुदा के फर्जंदों की तरह जिंदा रहें। अब वो खुदा के सामने गुनहगार हैं और खुदा और खुदावंद की तरह बादशाह की हैसियत से दुनिया से पहले खुद अपनी ज़ात में बादशाह हैं। वो लोग जो बादशाह बने खुदा की मर्जी से ज़िंदगी बसर करने के बजाय वो खुद में खौफजदा, शर्म, उजर, मुआजना, कमज़रफ़ी, गुस्सा, कत्ल और झूठ की खुद मुख्तार गुनहगार ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे। खुदा के लोगों का मॉडल, ये इब्राहिम के ज़रिए खुदा के लोग बनने का अमल है। जिन्हें खुदा के लोग और खुदा के फर्जंद की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के लिए गुनहगार दुनिया में से बुलाया जाता है। इसमें इब्राहिम से इसहाक की ज़िंदगी के ज़रिए मसीह के सलीबी काम का भी इशारा है। ये याकूब के ज़रिए खुदा के चुनिंदा लोगों की हैसियत से पैदा होने का भी एक अमल है जो अपनी ज़िंदगी में बढ़ने घटने को उस वक्त तक दोहराते हैं जब तक कि वो खुदा के लोगों, खुदा के फर्जंदों की हैसियत से ज़िंदगी बसर ना करें। ये याकूब से एक मसीहा के तौर पर यूसुफ़ की ज़िंदगी के ज़रिए यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में भी बात करता है। एक इंसान की बादशाह की हैसियत से ज़मीन पर ज़िंदगी, खुदा इसराइल के नाम से एक कौम को सिर्फ अपनी कुदरत के ज़रिए मिस्र से बुलाने और बचाने के बाद उनको बियाबान में ले गया, उनको शरीयत दी और कनान की तरफ जाने में उनकी रहनुमाई की और कनान में उसने उनसे कहा कि वो उसके लोगों की हैसियत से और उसके लोग बने रहने के लिए उसके अहकाम को माने। लेकिन शरीयत पर अमल और शरीयत की पाबंदी से ज़िंदगी गुजारने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो शख्स जो खुदा को छोड़कर खुद अपना बादशाह बन गया हो वो शरीयत पर अमल कर सकता है और शरीयत पर अमल करके एक नेक आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, बल्कि अहदनामा कदीम की तारीख से पता चलता है कि हम जितना ज़्यादा शरीयत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें पता चलता है कि खुदा के लोग ऐसे इंसान हैं जिनके लिए शरीयत पर अमल करना नामुमकिन है। ज़िंदगी कनान में शमाली इसराइल और जनूबी यहूदा में तकसीम हो गई क्योंकि ये उन लोगों के गुनाहों की वजह से जो एक बशरी बादशाह चाहते थे। काजियों और इसराइल के तीसरे बादशाह सुलेमान की गलतियों से बार बार होने वाले बुरे सिलसिला के ज़रिए से हुई। नतीजतन
शमाली इसराइल के 19 बादशाहों में से कोई भी अच्छा नहीं था, और शमाली इसराइल अपनी बदकारी के जरिए तबाह बर्बाद हुआ, जबकि जनूबी यहूदा के 20 बादशाहों में से सिर्फ 4 आसा, यहोशफत, हिजकिया और यूसिया खुदा की नज़र में ठीक थे, लेकिन वो भी लोगों की ठहराई हुई हदों पर गलबा ना पा सके और बर्बाद हुए। आखिरकार पुराने अहदनामा की तारीख ने जो इसराइल के जरिए उनके खुरूज के बाद जाहिर हुई कभी ना ख़त्म होने वाली इंसानी हदूद, जिसमें हम उसकी पूरी तरह खिदमत नहीं कर सकते, उसको साबित करने के मिशन को वफादारी के साथ पूरा किया, जिससे ये साबित होता है कि हम नजात दहिंदा के बगैर उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर सकते और उसका आखिर दूसरा सलातीन के अख्ताम पर होगा। इस हकीकत की दोबारा जांच पड़ताल करना कि दुनिया की तारीख के मुताबिक कोई बादशाह हकीकी नहीं था, क्योंकि तारीख का अख्ताम दूसरा सलातीन पर होता है, तवारीख के रिकॉर्ड में शमाली इसराइल और जनूबी यहूदा के मराकज की इस्तिस्ना हासिल है, और यीशु मसीह के कबीले यहूदा में पैदाइश से सलातीन तक दाऊद बादशाह, लावी के कबीले, यीशु मसीह का रूहानी खानदान और हैकल की तारीख के जरिए मसीहा पर तवज्जा मरकूज होती है। लोगों की जिंदगी जिसने नजात दहिंदा को अपना हकीकी बादशाह तस्लीम किया। अज़रा की किताब हैकल की तामीर और ईमान की असलाह के जरिए यीशु मसीह जो दोबारा बहाल होने वाली हकीकी हैकल है की बात करती, और हैकल पर मबनी ईमान और शैतान की मुदाखलत के बावजूद यीशु मसीह पर मरकूज रूहानी जिंदगी के मुतालिक बात करती है। नहमिया की किताब में एक हैकल मौजूद है, लेकिन दीवार तबाह हो गई है, लिहाजा वो इस सूरत हाल का दोबारा जायजा लेती है, जिसमें हैकल दीवार के बगैर एक हैकल नहीं हो सकती। शैतान की रुकावट के बावजूद भी दीवार की दोबारा तामीर के जरिए ये उस दीवार की अहमियत के बारे में बात करती है, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ ईमान की जिंदगी को दुनिया से अलग करती है। आस्तर की किताब खुदा के लोगों के बारे में बातचीत करती है कि वो अपनी जिंदगी ईमान की हैकल और अकायद की दीवारों पर मरकूज करके दुनिया से मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसके बारे में भी बात करती है कि खुदा की कौम को उस तरह की अलग जिंदगी की वजह से जमीन पर किस तरह मसाइब और अजियत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हतमी फतह पाएंगे। वफादार लोगों की रूहानी फतह का रिकॉर्ड दानियल की किताब में जारी रहेगा, और ईमान के इकरार और उससे मुतालिक जिंदगी गुजारने के जरिया कौमें और अकवाम के बादशाह खुदा को पहचानेंगे। खुदा वाहिद बादशाह है और उस बादशाह से डरो। हिकमत की किताबें बयान करती हैं कि इस तमाम तारीख इसराइल की बुलाहट और उनकी तबाही की तारीख के पीछे खुदा है। अय्यूब की किताब खुदा की हाकमियत का बयान करती है, जो उसकी मखलूक इंसानों के लिए बेमिसाल है। जबूर मसीह की आमद खुदा की हमद सताइश, हमारे बादशाह और उसके खौफ का बयान करता है। इम्साल खुदा की हिकमत और खुदा से डरने का बयान करती है। वाइस बयान करती है कि जिंदगी बेकार है और उससे सिर्फ खुदा की तज़ीम की जा सकती है। आखिर में गजलुल गजलात की किताब खुदा हमारे कामिल और इकलौते बादशाह, दुल्हा यीशु मसीह और खुदा के लोगों के माबीन बहाल शुदा एतहाद और मोहब्बत के बारे में बात करती है। हकीकी बादशाह को आना है। अंबिया की किताब के 2 सतूनों में पहला मलामत और फैसला है, और दूसरा निजात और बहाली है। खुदा के लोगों और कौमों समेत हर एक को जो खुदा को नहीं जानते, सबको सरजनिश हुई जो फैसले का बायस बनेगी। तारीखी तौर पर खुदा के लोगों की सरजनिश और फैसला सिर्फ आर्जी तौर पर हुआ और हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन कौमों के बारे में सरजनिश और फैसला अब्दी तबाही का बायस बनेगा। मजीद ये कि तारीखी तौर पर खुदा के लोगों को दी जाने वाली पहली निजात और बहाली कैदियों की वापसी के जरिए हुई थी और हतमी आसमान में होगी। ताहम उन लोगों के लिए जो खुदा के लोग नहीं हैं, आर्जी तौर पर निजात हासिल की जा सकती है, लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगी। एक और तनाजुर में अंबिया की किताबें बराए रास्त और बिलवास्ता तौर पर दुनियावी निजात दहिंदा की नहीं, बल्कि अब्दी निजात दहिंदा मसीहा की वजाहत करती हैं। इब्तदा यसाया से होती है, जहां खुदा के लोगों के गुनाहों की निशानदेही करते हुए यीशु मसीह के मसीहा के तौर पर आने की वजाहत की गई है। अब खुदा अपने लोगों के साथ अपना नया और लाजवाल अहद कायम करेगा। शरीयत का अहद कामों का अहद नहीं, क्योंकि खुदा ने मोहब्बत का आगाज किया। खुदा अपने लोगों को छोड़ नहीं सकता। हकीकी बादशाह आया। पुराने अहदनामा की शरीयत की किताब, तारीख की किताब और हिकमत की किताब
और पेशन गोइयों की किताब के तमाम रिकॉर्डों को पीछे छोड़कर अब वो वक्त आया जब यीशु मसीह मसीहा निजात दहिंदा के तौर पर आया। ना सिर्फ यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों की तकमील की और उसे पूरा किया, बल्कि वो इसलिए भी आया कि गुनहगारों के लिए खुदा के पास वापस जाने वाली राह भी बने। जैसे इसराइल को मिस्र से बुलाया गया था, यीशु मिस्र से शुरू होने वाले इसी अमल से गुजरा, लेकिन इसराइल की तरह नाफरमानी की तारीख पर नहीं चला, इसके बरक्स मुकम्मल इतायत की तारीख में से गुजरता है। यीशु मसीह इसराइलियों के बरक्स कलाम से बियाबान में आजमाइश पर गालिब भी आया, जिन्होंने बियाबान में ना सिर्फ खुदा के कलाम की नाफरमानी की बल्कि इसे शिकायत और नाराजगी से भर दिया। और आखिरकार जब उसने अवामी तौर पर अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया तो वो कनान में रहता था और खुदा के लोगों के गुनाहों के लिए सलीब पर मरा। कनान में अगर बनी इसराइल हलाक हुए तो इसकी वजह वो खुदा के लोग, खुदा के फर्जंदों और खादमों की बजाय खुद बादशाह बनकर रहते थे। पर यीशु मसीह जो बादशाहों का हकीकी बादशाह था, बनी इसराइल की जिंदगी के बरअक्स उसने फरमाबरदार खादम की हैसियत से काम किया। दुनिया के खात्मे तक बादशाह की तबलीग करो, निजात की राह जो अब यीशु मसीह के जरिया खोली गई, यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक पहुंच जाएगी। और ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है जिसने हमसे मोहब्बत की और सलीब पर अपनी जान दी। शैतानी कुव्वत की मजामत के बावजूद यीशु मसीह और खुदा की बादशाही के जरिया खोली गई निजात का रास्ता रूल कुछ की कुदरत से खुदा के लोगों के वसीले लगातार फैलता रहा। और शैतान की मुस्तकिल रकावट के बावजूद मसीही जिन्होंने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया कायम हो गए, उनके गिरजाघर कायम हो गए और उनका ईमान कलाम की बुनियाद पर मजबूत होता गया, यहाँ तक के जुल्मों सितम और जबर के दौरान भी। लोगों की जिंदगी जिन्होंने बादशाह को हकीकी बादशाह के तौर पर कबूल किया, रसूलों के खत खुदा के लोगों को जिन्होंने बशारत पाई और मसीही बने, इस बात के बारे में बताती है कि यीशु मसीह कौन है और अंजील क्या है। खतूत में यह भी बताया गया है कि मसीहियों को मसीही होने की हैसियत से किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, मसीही होने के नाते उन्हें किस चीज की पैरवी करने की जरूरत है और किस चीज से मसीहियों को दूर रहना चाहिए और अपनी जिंदगी से किन चीजों को हटाना है। अब्दी खुदा की बादशाही, नया आसमान और नई जमीन। मुकाशवा की किताब बयान करती है कि तारीख में और आज भी वो लोग जो खुदा के लोग बने उनको शैतान की वजह से, जिसके पास दुनिया की ताकत है, तकलीफ सहना और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लेकिन आखिर में खुदा के बच्चे आने वाले मुनसिफ बादशाहों के बादशाह बर्रे यीशु मसीह की वजह से जीत जाएंगे। ये उस वक्त तक ईमान रखने के बारे में है जब तक कि हम शादी की दावत में पाक दुल्हन के तौर पर यीशु मसीह के साथ खड़े ना हों। यकीनन एक नया आसमान और एक नई जमीन होगी। ये इसलिए है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। खुदा बाइबल के जरिए बात करता है। खुदा की बादशाही खुदा की बादशाहत है, जिसे खुदा शुरू करेगा, जिसमें खुदा काम करेगा और खुदा अंजाम देगा। खुदा हर काम करेगा क्योंकि खुदा की बादशाही के लिए कोई रास्तबाज शख्स लायक नहीं है। खुदा की ख्वाहिश है कि हम खुदा हमारे बाप की तरफ लौट आएं। और वापसी का रास्ता हमारे कामों की रास्तबाजी के जरिए नहीं बल्कि खुदा की रास्तबाजी से है, जहां एक गुनहगार की हैसियत से मरना और एक रास्तबाज आदमी के तौर पर दोबारा जन्म लेना है। और बाइबल कहती है कि खुदा के लोगों के लिए जमीन पर जिंदगी एक अजनबी की तरह है। बाइबल खुदा की कामलियत और खुदा की तरफ से ना रुकने वाली मोहब्बत के बारे में भी बात करती है। जितना हम इंसानों में उसको तलाश करें तो ये नामुमकिन होता जाएगा। कामिल होने के लिए हमें खुदा को पाना है। बाइबल खुदा के लोगों के मुस्तकिल गुनाह का इंकशाफ करती है, लेकिन ये उसके लोगों के लिए खुदा की अटल मोहब्बत को भी जाहिर करती है। एक मसीही की जिंदगी जो खुदा के कलाम को बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी अपनी जिंदगी हो थामे रखता है, हमेशा जारी रहेगी।